हमीरपुर के गांधी चौक पर एनएसयूआई के छात्रों ने पिछले वर्ष हुए पुलवामा में आत्मघाती हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। एनएसयूआई का कहना है कि जो सरकार जवानों की शहादतों पर राजनीति करके सत्ता में आई है, उनका दायित्व बनता है कि वो नौजवानों की रक्षा करे। एनएसयूआई ने हमीरपुर के गांधी चौक में पिछले वर्ष पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के प्रति दुख प्रकट किया है। एनएसयूआई द्वारा गांधी चौक में काला दिवस के रूप में दुख प्रकट किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। एनएसयूआई का कहना है कि जो सरकार जवानों की शहादतों पर राजनीति करके सत्ता में आई है, तो उनका दायित्व बनता है कि जवानों को सुरक्षा देना। अगर नेता अपने लिए हवाई जहाज की सुविधा ले रहे हैं, तो जवानों को हवाई यात्रा की सुविधा देना भी अहम होना चाहिए। आज एक साल के बाद भी पुलवामा हमले की न्यायिक जाँच नहीं हुई है। एनएसयूआई मांग करती है कि जल्द से जल्द इस आत्मघाती हमले की जांच की जाए, नहीं तो एनएसयूआई युवाओं को इकट्ठा कर सरकार के खिलाफ आंदोलन का आगाज करेगी। इस कार्यक्रम में एनएसयूआई के सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो पुलवामा अटैक जो हुआ था, जिसमें हमारे 40 के करीब सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला है। और बहुत हमारे लिए अफसोस की बात है और बहुत दर्दपूर्वक जो घटना जो थी वो आज के ही दिन एक वर्ष पूर्व हुई थी, जिसके लिए शायद हम लोग आज तक जो हैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इतनी शर्मनाक घटना हमारे देश के अंदर हुई थी। और कहीं ना कहीं हमारी सरकार की भी अभी तक नाकामी रही है, वो उनके गुना अभी तक नहीं पहुँच पाई है। और उन जो परिवार जिनके सैनिक शहीद हुए हैं, जो इसमें शहीद हुए हैं, शायद उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना भारत के अंदर ना हो। और जो कायराना हरकत पाकिस्तान बार बार करता है, उस पर भी जो है वो पूर्णतः रोक लगनी चाहिए। जय हिंद।